नमस्कार। जब अरस्तु ने एक व्यक्ति को कहा कि दुनिया के सारे मूर्ख मेरे गुरु हैं, तो वह व्यक्ति हैरान हो गया। क्यों, कैसे? ये देखिए, अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे, महान दार्शनिक। इन्होंने राजनीति शास्त्र के बारे में रचना लिखी, इन्होंने भौतिक शास्त्र के बारे में रचना लिखी, इन्होंने जीवन शास्त्र के बारे में रचना लिखी, इन्होंने आध्यात्म के क्षेत्र में रचना लिखी, नाटक, संगीत और हर फील्ड में इन्होंने अपना वर्चस्व लहराया। ये एक महान विद्वान थे और ये सिकंदर के गुरु थे। तो एक बार एक विद्वान अरस्तु से मिलने आता है और वो अरस्तु से कहता है कि आप इतने बड़े दार्शनिक हैं, आप इतने बड़े महान विद्वान हैं, अगर आप इतने बड़े विद्वान हैं तो आपके गुरु कितने विद्वान होंगे। वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूं। वैसे अरस्तु का गुरु प्लेटो था। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो को बनाया था, लेकिन वो किसी एक फील्ड में बंधे हुए नहीं थे। उन्होंने हर फील्ड में शिक्षा लेते रहे, जहां उनको शिक्षा मिलती थी वो लेते रहे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूं। तो अरस्तु ने कहा कि आप मेरे गुरु से नहीं मिल सकते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं, मैं आपके गुरु से क्यों नहीं मिल सकता हूं, मैं मिल सकता हूं। तो अरस्तु बोलते कि मेरा कोई एक गुरु हो तो मैं आपसे मिलाऊं, मेरे तो बहुत सारे गुरु हैं, मैं किससे आपको मिलाऊं। वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया कि बहुत सारे गुरु, हर व्यक्ति का तो एक गुरु होता है और आपके बहुत सारे गुरु कैसे हैं। तब अरस्तु ने उस व्यक्ति को समझाया कि इस दुनिया के सारे मूर्ख लोग मेरे गुरु हैं। वो व्यक्ति सडन आश्चर्य में पड़ गया कि सारे मूर्ख लोग इनके गुरु, लोग तो अच्छे अच्छे विद्वान व्यक्ति को अपना गुरु बनाते हैं और ये महान दार्शनिक, महान विद्वान व्यक्ति कह रहा है कि दुनिया के सारे मूर्ख मेरे गुरु हैं। तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है उस व्यक्ति की। वो पूछता है कि आपके सारे गुरु मूर्ख कैसे, मुझे समझाएं जरा। तो अरस्तु कहते हैं कि मैं जब भी किसी व्यक्ति से मिलता हूं ना, तो सबसे पहले उसका अवगुण देखता हूं। वो कहते हैं कि इंसान मूर्ख कैसे साबित होता है, अपने अवगुण से, अपने अवगुण से मूर्ख साबित होता है। तो अरस्तु कहते हैं कि मैं देखता हूं उसके अंदर क्या अवगुण है और फिर मैं अपने अंदर देखता हूं कि क्या वह अवगुण मेरे अंदर तो नहीं है। अगर वह अवगुण मेरे अंदर है तो मैं उस अवगुण को दूर करने की कोशिश कर देता हूं। अरस्तु कहते हैं कि मैं जितने भी मूर्ख लोगों से मिलता हूं उनके अवगुण देखता हूं और मेरे अंदर देखता हूं क्या वह अवगुण मेरे अंदर तो नहीं है, मैं उनको दूर करता रहता हूं, दूर करता रहता हूं। इसीलिए तो सारे मूर्ख मेरे गुरु बने। वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया और अरस्तु महान दार्शनिक के चरणों में गिर गया कि आप वाकई में महान है, विद्वान है। आप किसी भी व्यक्ति से मिलो, जानो, पहचानो तो उससे देखो, उसमें देखो कि क्या उसमें अवगुण है, क्या उसमें कमी है, क्या उसमें बुराई है। देखो और पहचानो और फिर देखो कि क्या वह बुराई आपके अंदर तो नहीं है। अगर आपके अंदर वह बुराई है तो तुरंत उसको दूर करो। अरस्तु कहते हैं कि आप दुनिया में बहुत से लोगों से मिलोगे, बहुत से लोगों को मिलके हर इंसान में कोई ना कोई तो अवगुण जरूर होता है, हर इंसान में कोई ना कोई तो कमी जरूर होती है। अरस्तु कहते हैं कि उस इंसान में वह कमी देखिए और फिर देखे कि अपने अंदर तो वह कमी नहीं है, अगर है तो उसे दूर करने की कोशिश करें और दूर करें। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी कमियां आपकी दूर हो जाएगी, सारी वीकनेस आपकी दूर हो जाएगी और आप एक स्ट्रॉन्ग मैन बन जाएंगे, आप खुद विद्वान बन जाएंगे। तो अरस्तु कहते हैं कि ज्ञान कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, नॉलेज कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ही नॉलेज है, आपके आसपास ही ज्ञान है, उसको बटोर लीजिए। इसलिए अरस्तु कहते थे कि दुनिया के सारे मूर्ख मेरे गुरु थे। क्यों? क्योंकि मैंने मूर्खों से सीखा और सीखकर आज मैंने सारी बुराइयों को, मेरी सारी कमियों को मैंने दूर कर दिया। ठीक है, 3-4 मिनट इनफ। हाँ इनफ।